वाक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दिल को ताकत, उनके दिल की तक़वियत के लिए सुबहानअल्लाह फरमाया कि तुम शगुफ्ता बातें करो। मुअज़्ज़ज़ातुल इकराम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तालीमात, सुबहानअल्लाह, जिसका ताल्लुक हमारे जिस्मानी अमराज से हुआ करता है, इसे तिब्बे नबवी कहा जाता है। और जिस्म के जितने जिस्मानी या रूहानी इलाज है वो सुबहानअल्लाह तिब्बे नबवी के अंदर मौजूद है। कुर्बान जाइए, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ पर ग़िज़ाओं का जिक्र किया, ग़िज़ाओं में एहतियात का जिक्र किया, ग़िज़ाओं का कम्बिनेशन का जिक्र किया, वहीं पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमारी का इलाज जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दिल को ताकत, उनके दिल की तक़वियत के लिए सुबहानअल्लाह फरमाया कि तुम शगुफ्ता बातें करो, तुम बीमार के पास जाओ तो उसे खुश करो। कैसे खुश कर सकते हो? कुर्बान जाइए, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक, जिसके रावी सैयदना अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الاجل فان ذلك لا يرد شيئا وهو يطيب وهو يطيب نفس المريض। प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी सैयदना अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम से अर्ज की, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब किसी मरीज के पास तुम जाओ तो फौरन उसके सामने खुशकुन बातें करो, उसकी तबीयत को खुश कर दो, और फरमाया कि और इसके अलावा उससे कुछ ना कहो, मगर फिर भी सुभान अल्लाह अगर तुम उससे खुशकुन बातें करोगे, उसके हौसला अफजाई करोगे, तो ये मरीज को बहुत बहुत दिल उसके दिल को ताकत देगी और उसके दिल को तवानाई देगी। अदनी कराम, मैंने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह अपने असातिजा को भी देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह एक तजर्बा भी है, एक अरसे से लोगों के साथ ताल्लुक भी है। बीमार हजरात फोन करते हैं उनके इलाज मुआलजे के लिए, उनको बतलाता हूँ, यकीन जानिए आधे से ज़्यादा तो उनकी बीमारियों का इलाज जो है उनको कम्युनिकेशन के जरिए उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। वो कहते हैं कि जी आपसे बात करने के बाद तो ये महसूस हुआ अब तो बीमारी कोई नहीं है, लेकिन फिर जो है फिर बीमारी कोई ना कोई हो जाती है। कुर्बान जाइए, तो गोया कि हमें ये बताया गया कि जब भी आप किसी बीमार के पास जाएँ तो बीमार के पास जाकर बीमार की इयादत भी करें, ऐसा ना कहें उसको अरे तुम्हें तो अब दिल की तकलीफ, वो अब तो नहीं बचने वाले, ऐसा कह देते हैं भाई वो तुम्हें वायरस हो गया, ओहो फलां बंदा मर गया, फलां ऐसा हो गया, भाई उसे खुशकुन बातें करें, उसकी तबीयत को खुश कर दें, उसको कहें। मैं हमारे कराची के अंदर जो है हकीम मुरसलीन हुआ करते थे, फरमाया करते थे कि भाई कोई उनके पास जाता, नफ्स पकड़ते और उसके बाद जो है वो इलाज तशखीस करते, तो कहते अरे तुम्हें तो कोई बीमारी ही नहीं। इसके अलावा भी बड़े बड़े हुक्मा मैंने अपने असातिज़ा को देखा, क्या यार बड़ी से बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी कोई मसला ही नहीं इंशाल्लाह। तो इस तरीके से हमें होना चाहिए कि जब किसी के पास जाएं तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम ये कहो कि ला बास तुहूरन इंशाअल्लाह, कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाएंगे, और फिर तुम उसे दुआ दो अस्अलुल्लाह अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका, अस्अलुल्लाह अलअज़ीम मैं रब्बुल आलमीन से सवाल करता हूँ, क्या रब्बल अर्शिल अज़ीम जो अर्श अज़ीम का रब है, अन यशफियका आपको शिफा अता फरमाए। नादरीन किराम, माशरे के अंदर अगर आज बहुत से लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, जो एंग्जाइटी का शिकार हैं, जो न जाने किन किन प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, आज यूके यूरोप में देख ले कितने ऐसे लोग हैं, जवान बच्चा है, जवान नौजवान है, बस तन्हाई पसंद हो गया, डिप्रेशन दिमाग पर जो है वो रात को सोने से पहले जो है वो डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं, दिन में डिप्रेशन की गोलियां ले रहे हैं, और आधे सर के दर्द के मरीज नौजवान बच्चे हो चुके हैं। क्यों भाई डिप्रेशन हो गया? भाई क्यों डिप्रेशन हो गया? हमारा ये काम है कि हम अपनी लाइफ को मसरूफ करें। मैं हमेशा से एक जुमला कहा करता हूँ, और ये मेरे एक बड़े बुजुर्ग के उन्होंने फरमाया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से याद भी है, आपको भी बता देता हूँ। फरमाया कि ज्यादा सोचोगे तो अपने आप को अजियत में मुब्तला करोगे, ज्यादा सोचोगे। बहुत से लोग अपनी बीमारी से मुताल्लिक सोचते रहते हैं,
मुझे ये बीमारी होगी, मुझे फलाने जादू कर दिया, मुझे फलाने ऐसा हो गया और ऐसा हो गया, और ज्यादा सोचते रहते हैं। ज्यादा सोचने से फरमाया अपने आप को अजियत में डालोगे और अपने आप को तकलीफ में डालोगे। फरमाया कि ये तो अपने आप को मजबूत कर लो कि अगर तुम्हारे इतना सोचोगे तो तुम्हारे सोच जो है तुम्हारे जिस्म पर और तुम्हारे तुम्हारी बीमारी पर वो हमला आवर नहीं होगी, तो कोई मसला नहीं। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या फिर अपने आप को मसरूफ कर लो। तो नाज़रीन किराम, कोशिश ये करें कि ज्यादा सोचा ना करें, और कोशिश ये करें कि मैं औलादों से कहूंगा कि वो अपने वालिदैन को, अगर परदेश में हैं तो अपने वालिदैन को कॉल करके उनकी खैर खैरियत पता करें, अगर यहाँ रहते हैं तो हर दूसरे तीसरे दिन हर रोजाना कॉल करें। क्या होता है, 5 मिनट लगेंगे, यकीन जानिए कि कितने में। कई दफा ये वाकया भी सुनाया, कई बुजुर्ग आते हैं, आजकल तो अभी नहीं, मैं ले रहा आजकल तो यानी कि मुलाकातें नहीं कर रहा, लेकिन इससे पहले कई ऐसे बुजुर्ग जो बेचारे आकर बैठे रहते थे कम्युनिकेशन, और यकीन जानिए वो कहते हैं कि मेरे बच्चे आते हैं और जब वो मेरे घर में आते हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है मुझे कोई बीमारी नहीं, और जब वो चले जाते हैं तो फिर मैं तन्हाई, वो यही तो बीमारी है। तो कम्युनिकेशन, कॉल किया करें, खैर खैरियत पता किया करें। हज़रत इकराम, कुछ कॉल्स हैं, कॉल्स को भी लेंगे, और इंशाल्लाह पिछले वीक के जो हमारे 3-4 सवाल आते हैं उनके जवाब भी इंशाल्लाह शामिल करेंगे। चलते हैं इंशाल्लाह कुछ कॉल्स की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला तमाम बीमारों को शिफाए कुली नसीब फरमाए, और हम सबको एक दूसरे के दुख दर्द में उनके दुख दर्द को बांटने की तौफीक नसीब फरमाए, और उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की तौफीक नसीब फरमाए। कई दफा मेरे प्रोग्राम में कॉलर कॉल करते हैं तो मैं बस औकात जो है कोई ना कोई चुटका लगा देता हूँ, कोई ना कोई जो है शुगल कर लेता हूँ, ताकि जो है बीमारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ये प्यारी सुन्नत भी अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए।